प्रियंका क्या हुआ यार, कैसे बोल रही है? अच्छा वो यार एक्चुअली मैं आजकल कुकिंग चैनल देख रही हूँ ना, तो वो वाला। अरे मुबारक हो सब्सक्राइबर्स, प्रियंका की शादी होने वाली है, मतलब हस्बैंड को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाने वाली है। कुछ भी मैं कुकिंग चैनल ऐसे ही देखना स्टार्ट कर रहा है। मुझे तो लगा था फ्री में खाना मिलेगा, आज पैसे बच जाएंगे, हम खाने आए हैं इतनी दूर। अभी बहुत छोटी हूँ यार, बहुत टाइम है, अभी 3-4 साल है मेरी शादी में। तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है यार? फ्री का खाना मिलता है ना, मेरे से रुका नहीं जाता। तो चुप रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, यू गाइस आर वाचिंग साडी गड्डी। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग 3 कैटेगरी में वीडियो शूट करते हैं। फर्स्ट इज ट्रैवल व्लॉग, सेकंड इज मार्केट व्लॉग, एंड थर्ड इज फूड व्लॉग। सो गाइस आज हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे फूड व्लॉग, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो नहीं दिखाने वाली। एंड उसके बाद भूलिएगा मत नोटिफिकेशन बेल को दबाना, क्योंकि उसी से तो नोटिफिकेशन मिलेगी। बाय द वे गाइस, आज का जो मौसम है ना वो बड़ा सुहाना हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे और बढ़िया बढ़िया फूड खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। गाइज आप में से कई लोग हमें सजेस्ट करते हो डिफरेंट फूड प्लेसेस, और जहाँ आज हम आए हैं मुल्तानी मोठ कचौड़ी पे, इनका 40 साल पुराना ये स्टॉल है और से कम 5 से 6 सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट करा है कि आप यहाँ जाइए, इनकी मोठ कचौड़ी ट्राई कीजिए। और गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आलू वाली कचौड़ी तो बहुत खाई है, बट मोठ कचौड़ी ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला ये इंडिया की नहीं है, ये पाकिस्तान से यहाँ पर आई है। प्रियंका आपके कुछ ओपिनियन है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो ये पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूजन है, दैट्स सो कूल। आज जो हम मोठ कचौड़ी खाने आए हैं ये आए हैं गीता कॉलोनी में, और गाइस गूगल मैप्स की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एड्रेस भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलते हैं सीधा ओनर से आपको मिलवाते हैं, थोड़ी उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि वो मोठ कचौड़ी के अलावा क्या क्या बनाते हैं और हमें क्या प्रेफर करेंगे खाने के लिए। हमारे साथ हैं शॉल के ओनर, आपका नाम सर? दीपक। मिस्टर दीपक, यहाँ पे खुशबू तो मुझे बहुत बढ़िया आ रही है मोठ कचौड़ी की, आप मेरे को बताएंगे मोठ के अलावा और क्या क्या आप देते हैं? मूंग दाल के चीले होते हैं। अच्छा चीला, वो भी मूंग दाल का? बेसन वाला सुना था, मूंग दाल का मैं पहली बार खाऊं। होता है आलू प्याज टमाटर या पनीर प्याज टमाटर। अच्छा कितने का है ये? दाल वाली रोस्ट करके ब्रेड लगाते हैं। इसमें धनिया डाला हुआ है जो मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है देखने में, बाकी खाने में बढ़िया होगा, मैं धनिया नहीं डाल पाऊंगा। भैया यहाँ पे आप कितने टाइम से लगा रहे हो? यहाँ पर 1.5 साल हो गया हमें, इससे पीछे वाली रोड पे था हमारा 40 साल पहले। अच्छा 40 साल से आप वहाँ पे लगा रहे हो, उसके बाद 1.5 साल से आप यहाँ पे लगा रहे हो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है? निर्माण विहार। गाइस अगर आपको यहाँ पे आना हो तो निर्माण विहार, यहाँ से 3 किलोमीटर आप आराम से रिक्शा करके यहाँ पे आ सकते हो, बड़ा क्राउडेड एरिया है, आई विल से आप गाड़ी से मत आइएगा। भैया आप एक बार मेरे को थोड़ी सी मेकिंग दिखाएंगे? ब्रेड दाल में डिप करके इसको रोस्ट किया होता है। अच्छा, और मूंग की दाल का एक चिल्ला बनाया है, इसको सब करेंगे प्याज टमाटर पनीर के साथ या प्याज टमाटर आलू के साथ। अच्छा दो वैरायटी है इसके अंदर, प्याज टमाटर पनीर और प्याज टमाटर आलू। अगर खाना चाहते हो तो प्याज टमाटर का भी कर लेते हैं। आलू ब्रेड चिल्ला 50 का है, पनीर ब्रेड चिल्ला 60 रुपये का है। गाइस दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा। गाइस थोड़ा सा आपको मोठ कचौड़ी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोठ दाल है जो इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान से ईजाद हुई थी। यहाँ पे प्याज रखी हुई है, चावल हैं और बढ़िया सा मसाला लग रहा है। भैया दिखने में तो सभी बहुत बढ़िया लग रहा है, आप एक काम कीजिए एक प्लेट तो मूठ कचौड़ी दीजिएगा मेरे को और एक प्लेट मूंग दाल का चीला पनीर वाला। भैया धनिया मत डलवाइएगा ना, मेरे को पसंद नहीं है धनिया। ठीक है ना, क्योंकि आज हम अपना कैमरा मैन लाए हैं, लोगों को सच बताएं। इधर हमारे साथ हमारा कैमरा मैन भी आया है, एंड मैं क्यों अकेली होती हूँ, ऋषभ को भी होना चाहिए ना। खाना बहुत अच्छा लग रहा है अपना, प्रियंका ने तो मूठ कचौड़ी की प्लेट पकड़ ली है, मेरे हाथ में मूंग दाल वाला पनीर चीला है। आपको थोड़ा सा क्लोजर लुक देता हूँ, ऐसा कुछ हमारा चीला दिखता है। इन्होंने दो बेसन की ब्रेड के बीच में एक चीला रख रखा है, उसके अंदर पनीर की बहुत सारी फिलिंग कर रखी है, एंड उसमें एक थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लाने के लिए इन्होंने सॉटे हुआ हुआ टमाटर और प्याज का मिक्सचर इन्होंने उसके साथ पुट कर रखा है। देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है एंड मेरे मुँह में पानी भी आ रहा है। आपको दिखाती हूँ कि हमारी कचौड़ी कैसी दिखती है। गाइस ये है हमारी मुल्तानी मोठ कचौड़ी, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है।
इसमें क्रंची कचौड़ी को तोड़ के ऊपर से एक दाल डाल रखी है मोटी, और ऊपर से इन्होंने चावल डाले हुए हैं उबले हुए, कुछ इसमें कुछ नहीं है, सिंपल राइस है, और इन्होंने डाला है इनका चटपटा मसाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा या कम करवा सकते हो। इसका बेसिकली स्पाइसी लेवल कम या ज़्यादा करने के लिए ये करते हैं, और ऊपर से डाल रखे प्याज, वो भी स्पाइसी है हल्की सी। गाइस अब टेस्ट करते हैं एक बार, ये मेरा चीला पनीर वाला बढ़िया लग रहा है दिखने में, तो अब देखते हैं खाने में कितना बढ़िया है। हमें 15 मिनट हो गए हम बकबक करे जा रहे हैं, तब भी ये चीला उतना ही गर्म है। मज़ा आ गया गाइस, मसाले एकदम प्रॉपर है, एंड जो स्पेशल टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है प्याज और टमाटर का। मैंने मूंग दाल का चीला पहली बार खाया है, बेसन का खाया था, उस चीले से काफ़ी अलग टेस्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है उससे। मैं तो गाइस ये 2-4 आराम से खा सकता हूँ बिना रुके, साथ में प्याज और चटनी भी ट्राई करते हैं हल्की सी। गाइस प्याज और चटनी का जो कॉम्बिनेशन है वो चीले के साथ बेस्ट है। जब भी आप यहाँ पे आओ, मूंग दाल कचौड़ी तो मैं आपको बोलूँगा ही बोलूँगा, क्योंकि वो इनकी बहुत फेमस है, 40 साल पुरानी है, लेकिन आप एक बार ये चीला भी ज़रूर ट्राई करना, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 60 रुपये का चीला है और 50 रुपये कचौड़ी की प्लेट। सही है यार। सो नाउ इट्स माय टर्न, मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत देर से जब खा रहा है मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मुझे प्रियंका को देखते हुए मुँह में पानी आ रहा है। मुझे क्या आ रहा है तुझे देखते हुए? बहुत टेस्टी है, स्पाइसी है, हल्का सा खट्टा है, और बेसिंग कचौड़ी, क्रंची कचौड़ी, सॉफ्ट राइस, मतलब सारे जितने भी फ्लेवर ऐसे लगते हैं एक ही प्लेट में आ गए। नहीं 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 इधर बहुत टेस्टी है, यू मस्ट ट्राई इट। अगर आप गांधीनगर गीता कॉलोनी के पास में आ रहे हो तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत टेस्टी है। ऋषभ तू खा के देख, सच में तो कब से सोच रहा था, कब पूछेगी तुमसे खाने के लिए। जरा मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। गाइस मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन देता हूँ इसके बारे में, ये वो नॉर्मल जो आप कचौड़ी खाते हो ना आलू की सब्जी के साथ, वैसा इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा अलग टेस्ट है मुल्तानी मोठ का, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप आए अगर यहाँ पे एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा शॉप के बारे में बताता हूँ, तो ये 5:30 बजे लगना स्टार्ट होती है और 10:30 बजे तक लगती है, तो आप थोड़ी सी जल्दी आइएगा क्योंकि इनकी ये मोठ कचौड़ी 8 बजे के बाद नहीं बचती है, बिक जाती है बहुत जल्दी, और हफ्ते में 7 दिन लगता है। तो जब आपका कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बढ़िया बढ़िया मोठ कचौड़ी का आनंद दे सकते हैं। वाह वाह, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो गिव अस अ थम्स अप। ऋषभ खाने के बाद आप देख रहे हो ना कितनी अच्छी है, अगर पसंद आई है तो गिव अस अ थम्स अप, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।